तो कैसे हो ठरकियों और मुठबाजों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो और फुल स्पीड में हिला रहे हो कि नहीं? तो जैसा कि हमारे संजू बाबा का कहना है कि घी छे तो घपाघप छे, यानी कि घी मतलब चिकनाई और घपाघप मतलब ठुकाई। तो आज मैं ऐसे मजेदार और रसीले वेब सीरीज के बारे में बात करूंगा जिसे देखकर आपके नीचे वाले जगह पे हलचल होने लगेगा। तो ये अपनी सुनसान और वीरान जिंदगी में बहार लाइए और इन वेब सीरीज को देखकर अपने नुन्नू को हिलाइए। तो अगर आप रसीले वेब सीरीज देखना चाहते हैं या किसी लौंडिया की बजाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मियां खलीफा को अपने बेड पे लिटाते हैं और उसे घोड़ी बना के कुदाते हैं। सेक्शन 307 ये साल 2020 में आई एक थ्रिलर वेब सीरीज थी। कहानी एक रसीली लौंडिया की है जो एक डेटिंग साइट पे एक हाउसी आदमी से मिलती है और गंदी बातें करके अपनी माल गिराती है, लेकिन अचानक से हाउसी आदमी गायब हो जाता है जिसकी वजह से रसीली लौंडिया का ठुकवाने का और गांड मराने का सपना अधूरा रह जाता है। किंतु कुछ दिनों बाद हाउसी आदमी वापस आ जाता है और रसीली लौंडिया को उसी के घर में घोड़ी बनाता है, लेकिन रसीली लौंडिया की फटी हुई गांड और भी तब फट जाती है जब उसे पता चलता है कि हाउसी आदमी तो एक सीरियल किलर है। निम्फो ये साल 2020 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी एक हाउसी लौंडिया की है जिसके नीचे वाले जगह पे कुछ ज्यादा ही खुजली होता है। हाउसी लौंडिया अपने बॉयफ्रेंड से अपना बॉल दबवाती है और तबाहतो ठुकाई के बाद माल भी गिराती है, लेकिन हाउसी लौंडिया के नीचे वाले जगह पे फिर से खुजली होने लगता है और वो फिर से गांड मरवाना चाहती है। लेकिन हाउसी लौंडिया का बॉयफ्रेंड तो है एक इंसान ही जो ना तो हाउसी लौंडिया को लगातार पेल पाता और ना ही अपना हथियार दिन रात उसके अंदर धकेल पाता है। तो हाउसी लौंडिया शुरू कर देती है बाहरी मर्दों से ठुकवाना और अपना खुजली मिटाना। जूस ये साल 2020 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी एक पति पत्नी की है जो हनीमून मनाने के लिए और एक दूसरे की बजाने के लिए एक होटल में जाते हैं। मालदार पत्नी अपनी असलियत छुपाने के लिए और खुद को वर्जिन दिखाने के लिए बेडशीट पे वाइन गिरा देती है, यानी कि लौड़ू पति को लगे कि सुहाग रात के तबाह तोड़ जंग में ढेर सारा खून खराबा भी हुआ है। लेकिन हरामी मैनेजर बेडशीट पे शराब गिराने वाली बात जान जाता और मालदार पत्नी को ब्लैकमेल करके तबाह तोड़ पेलता है। दरअसल हरामी मैनेजर एक नंबर का मादर चोद है जो रसीली औरतों को इसी तरह फंसाता और अपना हथियार उनके पिछवाड़े में घुसाता है। फरेब ये साल 2021 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी एक भरे पूरे शरीर वाली मालदारी औरत की है जिसके पिछवाड़े का कोई भी हो जाएगा दीवाना और चाहेगा उसमें अपना हथियार घुसाना। मालदारी औरत अपनी रसीली बेटी के साथ रहती और किसी भी मर्द से नहीं ठुकवाती है, लेकिन एक दिन मालदार औरत का एक दोस्त आ जाता है जो मालदारी औरत की तबाह तोड़ बजाता है। किंतु हद तो तब हो जाता है बेंचो जब मालदारी औरत का दोस्त उसकी रसीली बेटी पे भी लाइन मारता और उसे अपने दोनों जांघों के बीच सुलाना चाहता है। तो मालदारी औरत अपनी रसीली बेटी के साथ मिलकर गैंग बैंक करती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। सुनो साहेब जी ये साल 2021 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी एक रसीली और कटीली नौकरानी की है जो एक लौड़ू बुढ़े की देखभाल करती है और उसे अपने दोनों बॉल के दर्शन भी कराती है, लेकिन एक दिन लौड़ू बुढ़े का पोता भी लौड़ू बुढ़े के पास आ जाता है और रसीली नौकरानी को अपने दादाजी से ठुकवाते पाता है। तो हाउसी पोता भी चाहता है नौकरानी की बजाना और मियाँ खलीफा की तरह घोड़ी बनाना, किंतु असली मजा तो तब आता है बेंचो जब रसीली नौकरानी हाउसी पोते से ठुकवाती है और घर का सारा काम भी करवाती है, यानी कि रसीली नौकरानी रात में टांगे उठाकर ठुकवाती है और दिन में टांगे फैलाकर सो जाती है।